हेलो क्लास सेवन बेटा, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14E के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में हमें राइट कर दीजिएगा, आपको PDF की हेल्प से भी सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 को रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, बहुत ही अच्छी तरह से रीडिंग करना है। द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 12,754 किलोमीटर इन लेंथ। जो अप्रॉक्सीमेट डायमीटर है, इक्वेटोरियल डायमीटर है अर्थ का, वो हमें इतना दे रखा है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट सर्कमफेरेंस? अप्रॉक्सीमेट सर्कमफेरेंस आपको फाइंड आउट करना है अर्थ का एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर, ठीक है। यानी आपको सर्कमफेरेंस निकालना है, सीधे सीधे शब्दों में ये बात है। सी आपको फाइंड आउट करना है, डी आपके पास है, तो सी का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई मल्टीप्लाई डी वाला, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आइए करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन हमारे पास वैल्यूज हैं वो राइट कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट डायमीटर आपको दे रखा है 12,754 किलोमीटर, यानी 12,754 किलोमीटर। अप्रॉक्सीमेट सर्कमफेरेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो सी यानी सर्कमफेरेंस पाई मल्टीप्लाई डी, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 हमने राइट कर दिया, डी का वैल्यू यहाँ फाइंड राइट रख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद ऊपर ऊपर की मल्टीप्लिकेशन हमने राइट कर दी है, 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करके इस वैल्यू को हमारे पास आ जाता है 40,084 किलोमीटर, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट सर्कमफेरेंस हमारे पास कितनी आ गई है, 40,084 किलोमीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पैरामीटर फाइंड करना है। ये तीन आपको फिगर दी गई हैं ए बी सी पार्ट में। पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें अलग हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है। और यहाँ पर मैं हर एक फिगर आपको बना के दिखाऊंगा, हर एक को समझाऊंगा कि आप किस तरह से इसका पैरामीटर निकालेंगे। चलिए आइए करते हैं इन क्वेश्चन को। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है, आपके पास आपको पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, पैरामीटर आपको गिवन शेप का निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो ए पार्ट में सबसे पहले फिगर को देख लेते हैं, पहले फिगर को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये पार्ट आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो अपोजिट भी 8 सेंटीमीटर, ये वाला भी अपोजिट, इसके अपोजिट 8 सेंटीमीटर, इसके अपोजिट 8 सेंटीमीटर, ये सारे 8 सेंटीमीटर के हमारे पास हो जाएंगे। और यहाँ पर एक आपको हाफ सर्कल दिया, हाफ सर्कल को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। तो आप ध्यान दीजिएगा, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी ये जो आउटर एजेस हैं, आउटर साइड हैं, इस पे आपको चलना है, ठीक है, ये आपको सम करनी है। अब क्या है कि ये अंदर क्या हो जाएगा, ये हाफ जो सर्किल है इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायमीटर। तो डायमीटर 8 हो गया। तो 1 का अगर आप निकाल लें, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी आप इजिली क्या कर लेंगे, निकाल पाएंगे। मीन्स क्या करना है, एक जो सेमी सर्किल है यानी हाफ सर्किल है, उसकी सर्कमफेरेंस निकाल लीजिए, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और इन सब का आप हाफ हाफ करके निकाल लेंगे, तो भी आपका ऐड करके आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कर रहे हैं। तो डी यानी आपको डायमीटर आपको 8 सेंटीमीटर है, मैंने देखिए ये डायमीटर हो गया हमारे पे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई मल्टीप्लाई डी, लेकिन यहाँ पे सर्किल हाफ है, तो पाई मल्टीप्लाई डी के अपॉन में 2 हो जाएगा। तो पाई मल्टीप्लाई डी अपॉन 2, पाई मल्टीप्लाई डी अपॉन 2, पाई मल्टीप्लाई डी अपॉन 2, और ये भी पाई मल्टीप्लाई डी अपॉन 2 हो जाएगा। तो बस हम इस तरह से कर लेंगे, पैरामीटर और गिवन शेप आ जाएगा पाई इंटू डी अपॉन 2। देखिए ये क्या है, ये क्या है, सर्कमफेरेंस है, लेकिन ये आधी है, हाफ है, तो हाफ पूरी तो होती है पाई मल्टीप्लाई डी, हाफ कर दी हमने। तो चार पार्ट है हमारे पास, चारों को अलग अलग ऐड कर लेंगे, पाई मल्टीप्लाई डी अपॉन 2, 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 सबको ऐड कर देंगे। पाई का वैल्यू 3.14 रखेंगे, 8 हमारे पास डायमीटर है अपॉन 2, तो सब जगह यही वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। 2 4 आपके 8 कैंसिल आउट हो जाएगा हर जगह से, 3.14 मल्टीप्लाई 4, ये सब जगह कर लेंगे, चार पार्ट हो गए हमारे पास। तो इनकी वैल्यू आएगी हमारे पास 12.56 + 12.56 + 12.56 + 12.56, इसको ऐड करके हमारे पास आंसर आ जाता है 50.24, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर ए कंप्लीट हो गया है। चलिए आइए देखते हैं बी पार्ट।
देखिए बी पार्ट में जो आपको ये शेप दे रखी है, इसमें आप देखिए ये 16 दे रखा है, तो ये भी 16 होगा, रेडियस हो गई आर, ठीक है। अभी जो गिवन शेप है ये पूरा, अगर देखो ये पूरा इधर से ऐसे होता तो ये पूरा एक सर्किल बन जाता, यानी एक सर्किल का ये 1/4 पार्ट है, चार पार्ट बनेंगे ना, 1, 2, 3, 4, ऐसे एक पार्ट नीचे बनेगा, ऐसे एक साइड में बनेगा, एक साइड इससे बनेगा, तो ये चार फोर पार्ट बनेंगे टोटल। तो यानी ये जो सिंगल पार्ट देखा ये 1/4 पार्ट है कंप्लीट सर्किल का, ठीक है। तो ये जो गिवन शेप है ये 1/4 पार्ट है कंप्लीट सर्किल का, तो यानी सर्कमफेरेंस तो हमारी इसकी 1/4 हो जाएगी, है ना, पूरे के सर्किल जो की जो होती है पाई मल्टीप्लाईडी उसके 1/4 हो जाएंगे, ठीक है। और जो क्या है यहाँ पर ये वाली साइड दे रखी है, ये वाली साइड भी दे रखी है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे जो सर्कमफेरेंस बनेगी वो तो ये हो गई 1/4, ठीक है, और ये साइड हमने ऐड करनी है, तो टोटल पैरामीटर क्या हो जाएगा, ये वाले साइड दिस वन प्लस दिस वन और ये सर्कमफेरेंस का 1/4। तो यहाँ पर देखेंगे पैरामीटर ऑफ गिवन शेप आपके पास आएगी 16 प्लस 16, और आर यानी गिवन है आपको रेडियस, तो 2πr का फॉर्म लगेगा, 2πr, आर की जगह हमने 16 रख दिया, 1/4 है, 4 से 16 कट गया हमारा 4 टाइम्स, तो 4 2 8 और पाई की वैल्यू 3.14, इसको मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 25.12, और इसमें 32 ऐड कर दिया, ये वाला 32 ऐड करने पर हमारा वैल्यू आ गई है 57.12 मिलीमीटर आपके पास आ गया। देखते हैं क्वेश्चन, बस इसका सी पार्ट, सी पार्ट में देखिएगा आपको ये गिवन फिगर दे रखी है, इसमें आपको दे रखा 40 है 15, तो ये 15 है तो इसके अपोजिट भी 15 होगा। अब एक चीज देखिए, ये साइड हमारे पास है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है, प्लस ये जो सर्कमफेरेंस है हाफ, ये पूरा, अगर ये पूरा सर्किल होता तो आपको बनाया होता, अब ये हाफ सर्किल है, ठीक है, हाफ सर्किल में आप क्या करेंगे, जो सर्कमफेरेंस होती है उसके 2/4 कर देते हैं, और यहाँ पर आपको क्या, ये इसका सर्कमफेरेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डायमीटर, डायमीटर हमारे पास ये कितना हो जाएगा 40, क्योंकि ये वाली साइड 40 है, तो इसके अपोजिट भी ये वाली कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो पाई मल्टीप्लाई डी 2 लगा देंगे इस वाले के लिए, ठीक है, और इस ये पार्ट हमें गिवन है, तो गिवन शेप का जो पैरामीटर वो क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ गिवन शेप हो जाएगा दिस वन 15, 40 और 15, इसको ऐड कर देंगे, 15, 40, 15 को ऐड कर देंगे, और ये वाला कितना हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला का जो ये एज है ये हमारी सर्कमफेरेंस की हाफ हो जाएगी, यानी पाई मल्टीप्लाई डी 2 हो जाएगी, 70 तो ये हो जाएगा इसको ऐड करके, और पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई डी 40 है 2, ये 220 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, 2 से 40 कट गया 20, और 20 की 3.14 से मल्टीप्लाई 62.8 प्लस कर देंगे 70, तो हमारे पास 132.8 मीटर इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 को रीडिंग कर लेते हैं। टू सर्कल्स हैव द सेम सेंटर, दो सर्किल हैं जिनके सेंटर सेम हैं, द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल इज 5 यूनिट लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल। जो लार्जर सर्किल है, ठीक है, उसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, किससे, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल से। देखिए ये आपको फिगर दे रखी है, एक स्मॉलर वाला सर्किल है, एक ग्रेटर वाला है, लार्जर वाला, तो जो ग्रेटर वाला यानी लार्जर वाला हमारा सर्किल है, इसकी जो रेडियस है 5 जो है यूनिट जो है ज़्यादा है छोटे वाले से, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस इन द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्किल, इन दोनों सर्किल्स की जो क्या होंगी, सर्कमफेरेंस होंगी, उनका डिफरेंस हमें चाहिए, यानी जो लार्जर वाला सर्किल है उसकी सर्कमफेरेंस में से माइनस करना है आपको स्मॉलर वाले सर्किल की सर्कमफेरेंस को, ठीक है, आइए करते हैं इसको। तो देखते हैं यहाँ पर ये आपको फिगर दे रखी है, ये लार्जर सर्किल है, ये स्मॉलर सर्किल है, तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल को हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है, ठीक है, क्या मान लिया, एक्स, क्योंकि हमको वो मालूम नहीं है स्मॉलर की, क्योंकि अगर ग्रेटर वाली यानी बड़े वाली, लार्जर जो हमारे पास लार्जर वाला सर्किल है, ठीक है, ये जो लार्जर सर्किल है बड़े वाला जो सर्किल है, इसकी रेडियस अगर हमें फाइंड करनी होगी तो 5 ऐड करना पड़ेगा किसमें, स्मॉलर वाली में, तो स्मॉलर वाले को मान लिया आपने एक्स यूनिट मान लिया, देन रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5 यूनिट हो जाएगी। डिफरेंस आपको निकालना है, डिफरेंस इन सर्कमफेरेंस ऑफ बोथ सर्किल, यानी दोनों सर्किल की आपको सर्कमफेरेंस का डिफरेंस चाहिए, तो सर्कमफेरेंस ऑफ लार्जर सर्किल यानी ग्रेटर सर्किल माइनस सर्कमफेरेंस ऑफ स्मॉलर सर्किल, ठीक है, तो सर्कमफेरेंस दोनों की निकाल लेंगे, ग्रेटर वाली में से स्मॉलर वाली को माइनस कर देंगे, तो फॉर्मूला है हमारे पास 2πr का, तो 2
मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, बड़े वाले की आर है x प्लस फाइव, अभी हमने लिखी थी ऊपर, माइनस टू मल्टीप्लाई और छोटे वाले की जो है x है। तो r हमारे पास x प्लस फाइव है, बड़े वाले की x है छोटे वाले की, ठीक है, दोनों की रेडियस हमें मालूम है। अब 2 पाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 पाई को हमने कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया x प्लस फाइव और ये माइनस का साइन और ये x रह गया, x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 मल्टीप्लाई टू 10 हो जाएंगे, 10 पाई हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका डिफरेंस आ गया दोनों सर्कल्स की सर्कमफेरेंस का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को सबसे पहले रीडिंग करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, द सेंटर ऑफ ईच सर्किल इन द फिगर लाइज ऑन नंबर लाइन। देखिए ये आपको क्या दे रखा है, एक बड़ा सर्किल, लार्जेस्ट सर्किल दे रखा है और इसके जो सेंटर्स हैं ये आपको दे रखे हैं, ठीक है, एक नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन है आपकी। तो यहाँ से जीरो से स्टार्ट है, 10 तक जा रही है, तो यहाँ से जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 10 पार्ट हैं, ठीक है। तो जो ये लार्जेस्ट वाला सर्किल है इसका डायमीटर 0 से लेकर 10 तक यानी 10 हो गया, तो ये 1 2 3 4 ये 4 टाइप के छोटे छोटे हमें क्या दे रखे हैं, सर्किल दे रखे हैं, तो इनका भी डायमीटर हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जैसे मान लीजिए इसको हम P1 मान लेते हैं, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 1 2 इसका 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 2 3 4, इसका 4 हो जाएगा डायमीटर, ठीक है। तो हमें सबके डायमीटर इससे पता लग गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये, व्हाट इज द रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस के बीच में, ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल, लार्जेस्ट सर्किल की, एंड द सर्कमफेरेंसेज, और सर्कमफेरेंस किसकी, ऑफ द फोर स्मॉलर सर्किल, यानी ये जो लार्जेस्ट वाला सर्किल है इसकी सर्कमफेरेंस में और ये जो चार छोटे छोटे सर्किल हैं इनकी सर्कमफेरेंस में क्या रिलेशन है, ये हमें निकालना है, ठीक है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले तो हम फिगर को देख लेते हैं, हमने लार्जेस्ट वाला सर्किल बना लिया, इसके अंदर छोटे छोटे सर्किल बना लिए और 10 पार्ट हो गए, 0 से लेकर 10 तक ये हमारे पास नंबर लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो देखो इसको हमने 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया, ये छोटे छोटे हमारे सर्किल हैं, इनको 1 2 3 4 मान लिया। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट सर्किल की, तो लार्जेस्ट सर्किल का जो डायमीटर है पूरा 10 हो जाएगा, ठीक है, अभी हमने काउंट करके दिखाया आपको, यहाँ से 0 से 10 तक 10 हो गया। तो इसकी हम क्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला था पाई मल्टीप्लाई डी, तो पाई मल्टीप्लाई डी, डी मीन्स 10, तो 10 पाई आ गया आपके पास। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि हमें रिलेशन दिखाना है, छोटे सर्किल जो है उनकी सर्कमफेरेंस का बड़ी का, तो बड़ी को तो हमारा इक्वेशन 1 मान लिया, इसको हमने डॉट 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 करके लिख दिया 1, यानी इक्वेशन 1। अब हमें जो ये वाला 1 है इसका हमारे पास डायमीटर कितना है, 1 2 3 3 है, तो डायमीटर ऑफ सर्किल 1 हमारे पास 3 यूनिट, सर्कमफेरेंस हो गई पाई मल्टीप्लाई डी, पाई मल्टीप्लाई डी, डी हमारे पास 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 पाई हो गया। इसी तरह सर्किल 2 का डायमीटर 1 है क्योंकि एक ही यहाँ पर पॉइंट है, तो डायमीटर ऑफ सर्किल 2 हमारे पास 1 है, तो सर्कमफेरेंस हो गई 1 मल्टीप्लाई पाई, यानी पाई यूनिट हो गया। इसी तरह थर्ड वाले सर्किल का देखिए, 1 और 2 यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, तो 2 पे की हमारी 2 यूनिट हो गया, इसका सर्कमफेरेंस हम निकाल लेंगे, तो पाई मल्टीप्लाई डी और डायमीटर हमारे पास है 2, तो 2 मल्टीप्लाई पाई यानी 2 पाई यूनिट आ गया। इसी तरह हम 4 वाले सर्किल का निकालते हैं, ठीक है। तो 4 वाले का जो सर्किल का हमारे पास डायमीटर है 4 है, तो सर्कमफेरेंस पाई डी के हिसाब से पाई मल्टीप्लाई 4 यानी 4 पाई आ गई आपके पास। अब आप क्या करेंगे, सर्कमफेरेंसेस का सम निकाल लीजिए जितने भी सर्किल हैं, ठीक है, सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल्स 1 2 3 एंड 4, तो 3 पाई प्लस पाई 2 पाई 4 पाई को ऐड करेंगे 10 पाई। अब अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे, दोनों 10 पाई हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट सर्कमफेरेंस ऑफ लार्जेस्ट सर्किल क्या हो जाएगी, सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ स्मॉल सर्किल्स, यानी जितने भी छोटे सर्किल थे उनकी सर्कमफेरेंस का जो सम है वो लार्जेस्ट वाले जो सर्किल है उसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ लार्जेस्ट सर्किल इज इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफेरेंसेज ऑफ स्मॉल सर्किल्स, ये आपका आंसर हो गया है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है ए सर्किल विद रेडियस 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर का आपको एक सर्किल दे रखा है, दिस वन, कट इनटू 4 पार्ट, इसको 4 पार्ट में हम कट कर लेते हैं एंड रीअरेंज फ्रॉम अनदर शेप, और इस शेप में बदल देते हैं, ये वाली शेप दे रखी है देखो आपको,
ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये चार पार्ट हो जाएंगे। इन चार पार्ट को हमने इस तरह से लगा दिया, रीअरेंज कर दिया, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में इन्होंने दिखाया। डज द पैरामीटर चेंज, क्या पैरामीटर चेंज होगा? इफ इट, अगर ये होता है, बाई हाउ मच डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, तो वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये वाला एक सर्कल दिख रहा है, इसमें इसकी रेडियस आपको 16 दे रखी है, तो r इक्वल टू 16, तो सर्कल फेरेंस आप निकाल लीजिए इस वाले की। अगर हमें देखना है कि दोनों में डिफरेंस कितना है सर्कम फेरेंस में, तो पहले आपको फर्स्ट वाला जो हमारा बिना अरेंज किया हुआ जो सिंपल हमारे पास सर्कल है उसकी सर्कम फेरेंस निकाल लेते हैं। तो सर्कम फेरेंस ऑफ सर्कल हम निकाल लेंगे, यानी वो पैरामीटर होगी, ठीक है। दोनों के पूछा है दोनों के पैरामीटर में कोई अंतर होगा कि नहीं होगा, तो पैरामीटर के लिए हमें सरकमफेरेंस निकालनी होगी, क्योंकि पैरामीटर ही सरकमफेरेंस होता है। तो 2 पाई आर का फॉर्मूला लगा दिया हमने, 2 मल्टीप्लाई पाए, और ये हो गया आर 16, 32 पाई हमारे पास इसका पैरामीटर आ गया, ठीक है। ये जो हमारा सर्किल है इसका क्या आ गया, पैरामीटर आ गया। अब पहले आप फिगर को अच्छी तरह समझ लो। अब ये जो चार पार्ट थे हमारे, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, इन चार को पार्ट को हमने इस तरह लगाया। देखो, एक पार्ट तो हमारा ये वाला, ये रहा दिस वन, ठीक है, ये रहा। दूसरा पार्ट जो हमारा ये वाला था, ठीक है, वो ये रहा। तीसरा पार्ट जो हमारा ये वाला था वो ये रहा, और चौथा पार्ट जो हमारा था वो ये रहा, ठीक है। इस तरह करके हमने चार पार्ट कर लिए, बात समझ गए आप, ठीक है। जब चार पार्ट कर लिए, देखो एक बात देखो यहाँ से ध्यान से, बहुत समझने वाली बात है। ये वाला जो पार्ट, इसकी ऊपर की सरकमफेरेंस है ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, तो यही हो जाएंगी ना, ये वाली, ये वाली, ये वाला और ये वाला पार्ट हो जाएगा सरकमफेरेंस का। देख रहे हैं ना आप, ये वाला पार्ट आपका ये हो गया, ये वाला पार्ट आपका ये हो गया, इधर का पार्ट आपका ये हो गया और इधर का पार्ट आपका ये हो गया। हो गया कि नहीं हुआ, फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। देखो, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट पी वन ये लिखा, ये रहा, इतना पार्ट पी टू ये रहा, ठीक है, इतना पार्ट ये पी थ्री ये रहा, और इतना पार्ट ये वाला नीचे वाला पी फोर ये रहा। तो ये अगर ये पी वन पी टू पी थ्री पी फोर को मैं ऐड कर दूं, ये पूरा सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये पी वन पी टू पी थ्री पी फोर को जो ऐड करके आएगा, ये तो हमारा यही आएगा सर्कमफेरेंस जो इसकी थी, लेकिन इसमें ये एक साइड और हमारी इस तरह से इंक्रीज हो गई, ये बढ़ गई है 16 और 16 वाली, क्योंकि ये जो रेडियस थी ये यहाँ पर बाहर आ गई इस बार, तो 16 ये ऐड हो जाएगी। तो हमारा जो पैरामीटर है पहले से 16 + 16 = 32 ऐड हो जाएगा, यानी ग्रेटर हो जाएगा उससे जो पहले था, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, चलिए आइए देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी फिगर में समझा दिया, जब सर्किल को हमने कट किया चार इक्वल पार्ट में, तो रीअरेंज कर दिया हमने अनदर शेप में, तो हमारे पास पार्ट पी वन पी टू पी थ्री पी फोर बचेंगे, और उसमें मैंने 16 और 16 आपको दो साइड और बता दी है, ठीक है, जो रेडियस के इक्वल है। तो पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर कितना हो जाएगा, जो सर्कमफेरेंस थी हमें गिवन सर्किल की वो 32 पाई है। तो टोटल पैरामीटर क्या हो गया रीअरेंज फिगर का, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर और 16 + 16, इन सबको ऐड कर दिया, तो 32 पाई तो पहले से ही था, 32 और ऐड हो गया, है ना। तो हम देखते हैं कि पैरामीटर चेंज हो गया, हो गया कि नहीं, पहले 32 पाई था, अब 32 पाई प्लस 32 हो गया, कितना चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, कितना हुआ, 16 + 16, ये जो 16 हमारे क्या हुए, अलग से ऐड हुए, तो हमारा 16 + 16 कितना हो गया, 32 हमारा इंक्रीज हो गया पहले से, ठीक है। तो बस ये काम करना था हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टूडेंट द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ ए व्हीकल इज 70 सेंटीमीटर। जो रेडियस है व्हील का, ठीक है, जो पहिया होता है व्हीकल का किसी, उसका जो रेडियस दे रखा है 70 सेंटीमीटर दे रखा। द व्हील्स मेक्स 10 रिवोल्यूशन, 10 रिवोल्यूशन करती है वो 5 सेकंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ द व्हील इन मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में आपको स्पीड चाहिए, पाई की वैल्यू ये दे रखी है। देखिए, जब रिवोल्यूशन की बात आई, तो रिवोल्यूशन के नाम से आपको सबसे पहले पता लग गया कि हमारा सर्कमफेरेंस निकालना है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 1 रिवोल्यूशन में चली गई डिस्टेंस, ठीक है, तो 10 रिवोल्यूशन में चली गई डिस्टेंस निकाल लेंगे, बस उसके बाद आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम आपके पास 5 सेकंड है, डिस्टेंस आप निकाल लीजिए 10 रिवोल्यूशन में कितनी चलेगी, उससे हम निकाल देंगे, ठीक है। चलिए आइए करते हैं इसको। तो रेडियस आपको दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस निकाल लीजिए, यानी 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस चलेगी, 1 में चलेगी आपको 2πr के इक्वल, 2 × 22/7 × 70, 440 सेंटीमीटर आ गया, है नहीं। अब क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 रिवोल्यूशन, देखिए 1 रिवोल्यूशन में सर्कमफेरेंस के इक्वल चलता है, तो 440 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो 10 में हमारा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4400 सेंटीमीटर चलेगा। 100 से डिवाइड कर दीजिए, मीटर बना लो उसको, तो 100 से डिवाइड करके 0000 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 44 मीटर आ गया। स्पीड ऑफ व्हील आपको निकालनी है, तो स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी 44 है और टाइम हमारा 5 सेकंड है, ये मीटर में है, ठीक है। 44 मीटर और 5 सेकंड है, तो हमारा आंसर जो आएगा 8.8 मीटर पर सेकंड आपके पास आ गया। तो बस यही फाइंड करना था। तो ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स 14E आज हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। आज के सभी क्वेश्चन आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट करें, वीडियो को 3-4 टाइम जरूर देखें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं, ठीक है। किस तरह से हमने किया है, क्या मेथड है, वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप वीडियो को 3-4 टाइम देखेंगे, ठीक है। और वीडियो को बीच बीच में पॉज करके सभी आप पॉइंट्स सारे स्टेप्स राइट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही।